नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय प्रवास पर बांधवगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनके निजी दौरे के दौरान जिला मुख्यालय के हवाई पट्टी पर आगमन हुआ, जहां हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार सहित उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ हवाई पट्टी से बाई रोड कार से सवार होकर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए रवाना हुए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत होने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है। आज के युग में मीडिया की उपस्थिति और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होना असंभव है, लेकिन कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस की ऐसे हड़बड़ाहट पहले कभी नहीं देखी है। कांग्रेस अपने हार की ठिकरा सीएम पर डालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की संलग्न योजना से गरीबों की जिंदगी बदली है। वहीं जिन किसानों को अपने अनाज का कम दाम मिलता था, उसे भी भरपाई की गई है। समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार एवं भांजा भांजियों के लिए योजनाएं एवं माता बहनों के लिए सशक्तिकरण का जो काम भाजपा सरकार ने किया है, उन कामों से हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, विशेषकर संबल जैसी योजना जिसने गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, किसानों को अतिरिक्त रूप से अगर कम दाम मिले हैं तो अलग से खाते में पैसा डाल के उसकी भरपाई की गई है, और समाज के हर वर्ग के कल्याण, विशेषकर मेरे भांजे मेरी भांजियां, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया है, और मेरी माताओं बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। इन सब कामों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है और हम फिर से चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे जनता के आशीर्वाद। कितनी सी को क्या कहें, पता नहीं हो क्या गया मेरे मित्रों को, भगवान उनको सुखी रखे, लेकिन पता नहीं कभी ईवीएम गड़बड़ हो गई, कभी चुनाव आयोग ने कुछ कर दिया, कभी मतलब ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, ऐसी हड़बड़ाहट कि चुनाव के दिन ही 3 बजे से चिट्ठी लिखने लगे कि मर गए भाजपा ने गड़बड़ कर दी। अरे भाई, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। आज के युग में मीडिया की उपस्थिति में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कोई गड़बड़ कर सकता है? लेकिन हार का ठीकरा अपने माथे पर ना फूटे, इसलिए ईवीएम के माथे पर फोड़ दो, सीएम के माथे पर फोड़ दो, इसलिए बेतरतीब और बेकार की बातें कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं जो उचित नहीं। देश उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।